मानसून के मौसम में डेंगू और अन्य बीमारियों के फैलने का अंदेशा रहता है, जिससे बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। पौड़ी जिले का स्वास्थ्य विभाग मच्छर जनित बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही बरसात के इस मौसम में डेंगू की रोकथाम के लिए सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। जिले में मानसून के दौरान अभी तक 8 केस एलिसा टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 5 कोटद्वार, 2 लक्ष्मण झूला और 1 पौड़ी क्षेत्र से है। कोटद्वार स्थित राजकीय बेस अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर विजयेश भारद्वाज ने लोगों से इन दिनों पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने और अपने आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की है। इस बार प्रभु की कृपा है हम सब पे और डेंगू केसेस बहुत कम आ रहे हैं। फीवर के केसेस भी ओवरऑल बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जितने भी आते हैं हम सबको इन्वेस्टिगेट कराते हैं और अभी तक टोटल मिला के 6 केसेस केवल डेंगू के आए हैं, जिसमें सब ठीक होकर चले गए। केवल एक पेशेंट यहाँ पे एडमिट है और संभवतः वो भी 1-2 दिन में चला जाएगा। अस्पताल में हमने डेंगू का वार्ड लक्ष्य बना रखा है 20 बेड का। सब पे मशहरी लगी हुई है, मच्छरदानियाँ वो लगी हुई हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट लगे हुए हैं और हाइजीन का विशेष ख्याल रखा गया है। पूरा स्टाफ उसके लिए लग किया गया है और राउंड द क्लॉक वो स्टाफ रहते हैं अपने रोटेशन से ड्यूटी पे। और के उसके अलावा 16 बेड्स हमने और रिजर्व में रखे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे, लेकिन ईश्वरी कृपा बनी रहे और वो 16 बेड्स भी खाली रहें। मेरा तो सब लोगों से यही अनुग्रह है कि डेंगू के प्रिवेंशन जो ट्रीटमेंट है उससे बचें। उसके लिए आपको केवल क्या करना है, फुल आस्तीन के कपड़े पहनिए, पतले कपड़े ना पहने, थोड़े से हल्के से हैवी कपड़े लें। ऐसे भी नहीं कि बहुत गर्मी लगे आपको, लेकिन कॉटन के थोड़े से हैवी, क्योंकि उसके मच्छर का जो स्टिंग होता है वो बहुत पतले कपड़ों को पार कर जाता है। दूसरा, मच्छर इसका जो है वो ज़्यादातर सुबह सूरज निकलने के बाद से लेके और सूरज के छुपने तक एक्टिवेट रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव जो मच्छर जो होता है वो दिन के टाइम में होता है। और ख़ासतौर से ये ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता तो ज़्यादातर पैरों के आसपास ही, घुटने तक, थाई तक ही काटता है। तो बेहतर यह है कि आप लोग बिल्कुल बरमूडा जो लोग पहनते हैं बिल्कुल ना पहने इस मौसम में कम से कम, और फुल ही कपड़े पहने। और तीसरी चीज़ मैं सबसे ज़्यादा लोगों से ये कहूँगा कि अपने घर के आसपास, घरों में, किचन्स में कहीं भी पानी ना इकट्ठा होने दें, कहीं सीलन नहीं होनी चाहिए। गमले वमले जिन लोगों को शौक़ है गमले वमले रखने का, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना हो, कहीं कीचड़ ना हो, गंदगी ना हो, क्योंकि उसकी लार्वी ऐसी जगह ही ग्रो कर जाती है, पता भी नहीं लगता कब वो नुकसान कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें केवल अपने लिए नहीं, आप आसपास में एक दूसरे को भी एजुकेट करें, एक दूसरे को भी समझाएं, उनको बताएं कि इस तरीके से इसकी लार्वी डेवलप होती है। जो लोग नारियल वाल का पानी पीते हैं वो लोग भी सावधान रहें कि नारियल जो वो बेचते हैं होके उसके पानी में भी बहुत ज़्यादा इसकी लार्वी ग्रो कर जाती है, क्योंकि वो पड़ा रहता है उसके लोग रह जाती है। तो उसके आसपास भी आप लोग बच के रहें और उन लोगों को निर्देशित करें कि भाई इस तरीके से आप उसके कचरे को ना पड़ा रहने दें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी संभावना है कि उसकी लार्वी ग्रो कर सकती है। वहीं कोटद्वार नगर निगम आयुक्त वैभव गुप्ता ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम क्षेत्र में लगातार नालियों की सफाई के साथ ही छिड़काव और फॉगिंग की जा रही है। लापरवाही के मामले में लोगों के चालान किए गए हैं। लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई भी कराई जा रही है। कई जगह पर चेकिंग की गई है और जहाँ पर लार्वा पाया गया है वहाँ पर लोगों के चालान भी किए गए हैं। लोगों को सख्त इसमें हिदायत भी दी गई है कि सब लोगों को ये चेक कर लें कि उनके कूलर या उनके गमलों में पानी इकट्ठा ना हो। इसके अलावा हमारे द्वारा फॉगिंग और लार्वी साइड छिड़काव की लगातार कार्रवाई की जा रही है। सभी 40 वार्ड के लिए रोस्टर बना दिया गया है और रोस्टर में 2-2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है जो लार्वी साइड का लगातार छिड़काव कर रहे हैं। हमारे पास फॉगिंग के लिए 9 मशीनें हैं और सभी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है, लगातार फॉगिंग भी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और कोई भी वहाँ से आशा उसका सर्वे भी चल रहा है, डोर टू डोर सर्वे, वो पूरी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। वहीं जिले में अब तक 82,000 से अधिक घरों में सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें 3,964 घरों में मच्छरों का लार्वा मिला है। इसके अलावा घरों में 4,67,291 कंटेनर का निरीक्षण किया गया है, जिसमें 6,000 से अधिक कंटेनरों में मच्छरों का लार्वा मिला है, जिसे नष्ट किया गया है।